इसके लिए मैं सच सच नमन करती हूँ आपको सर। आप ही वो हैं सर जिसने हम टोला तालमी वालों को, दलित अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों को इतना मान सम्मान और हमारी पहचान दिलाई है सर। सर दुआ तो यही करेंगे इस रमजान के मौके में सर कि आप हमारा आपका आशीर्वाद आजीवन हमारे सर पर रहे। लेकिन सर आपकी भी मजबूरी और हमारी भी मजबूरी है, बस सर बस इतना ही कहेंगे सर कि हम बहुत सालों से पीड़ित हैं, बस हमें स्थायी करके चले जाइए सर, बस यही दुआ करेंगे सर। के पाठक के सामने जब महिला ने हाथ जोड़ लिए और सत सत नमन करते हुए बोली कि आप हमारे लिए भगवान हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। खबर गोपालगंज से है जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे थे। जी हां, के पाठक पहुंचे थे टोला सेवक और तालीमी मरकज वालों के यहाँ, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और उसके बीच के पाठक जब पहुंचे तो खूब सारी बातें की उन्होंने उनसे। और इस बीच एक महिला आई जो मुस्लिम महिला है और इस महिला ने हाथ जोड़े सत सत नमन किए के पाठक को और क्या कहा सुनिए, पहले आप वो वीडियो देखिए। तो इसके लिए मैं सत सत नमन करती हूँ आपको सर। आप ही वो हैं सर जिसने हम टोला तालमी वालों को, दलित अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों को इतना मान सम्मान और हमारी पहचान दिलाई है सर। सर दुआ तो यही करेंगे इस रमजान के मौके में सर कि आप हमारा आपका आशीर्वाद आजीवन हमारे सर पर रहे। लेकिन सर आपकी भी मजबूरी और हमारी भी मजबूरी है, बस सर बस इतना ही कहेंगे सर कि हम बहुत सालों से पीड़ित हैं, बस हमें स्थायी करके चले जाइए सर, बस यही दुआ करेंगे सर। तो देखा आपने कि क्या कह रही है महिला, सुना आपने कि क्या बोल रही है। तो वो सत सत नमन कर रही है और कह रही है कि आप हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपने जो हमारे लिए किया है वो भगवान ही कर सकता है। पर लेकिन महिला साथ ही साथ हाथ जोड़कर उनसे कह रही है कि आपने तो हमें सब कुछ दे दिया है लेकिन हमें स्थायी बना दीजिए। तो महिला के पाठक के सामने नतमस्तक हो गई। ये सीन है गोपालगंज का, जहां गोपालगंज में टोला सेवक और तालीमी मरकज वालों के बीच के पाठक पहुंचे थे। के पाठक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जो सुर्खियों में हैं लगातार। और यहां जब पहुंचे तो उन्होंने लंबी चौड़ी बात की टोला सेवक और तालीमी मरकज वालों से। सीएम नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो क्या कुछ कहा के पाठक ने उनके बीच में, ये भी आपको सुना देते हैं, विस्तार से सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा थी तो ये दुगना हो गया, वरना अन्य जो विकास मित्र थे उनका इतना नहीं बढ़ा, लेकिन आप लोगों का काफी बढ़ा है। इसमें सीएम साहब का विशेष जोर था और हम लोगों ने कहा था कि अब तालमी मरकज और टोला सेवक काफी मेहनत कर रहे हैं, अब तो काम बढ़ गया है आपका। यस सर। अब तो आप किसी टीचर से कम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही कर रहे हैं। यस सर। तो यह अच्छी बात है कि अब आप लोग, आप भी शाम हो जाती, 5 बज जाता होगा, ब्लॉक में जाते होंगे, नए बच्चों का नामांकन कितना हुआ, कितना ड्रॉप आउट लाए, ये सब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रही है, घर से लेकर के प्रखंड तक चले गए। आप लोगों को, आप लोग जब हम आए थे तो हमें बताया गया कि ये 26,500 टोला सेवक और तालमी मरकज हैं, लगभग 2/3 1/3 का रेशो है, 2/3 टोला सेवक है, 1/3 तालमी मरकज हैं। ये 26,500 का हमने देखा कि पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप लोगों को मानदेय भी कम मिलता था और काम जो था उसका हिसाब किताब ना लिया जाता था ना कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से बात होती। तो अभी तो आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो हम लोगों ने 26,500 टोला कर रहा हूं और जिन गरीब टोलों से आप लोग आते हैं वहां पे समस्या ये है कि बच्चा 4 दिन आता है 4 दिन नहीं आता, तो जो 4 दिन पढ़ा लिखा रहता है अगले 4 दिन भूल जाता है, फिर मास्टर साहब को उसको नए तरीके से समझाना पड़ता है। कभी कभी 10 दिन नहीं आएगा, महीना दिन नहीं आएगा, अब 1 महीने नहीं आएगा तो जो पढ़ा लिखा है भूल गया, ये जरा ध्यान दीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण आप लोगों का समूह है, इनको आपका मानदेय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बढ़ गया, लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी हम लोग चाहते थे कि हो जाए। इस तरह की ट्रेनिंग आपके शायद जीवन में पहली बार हो रही होगी,
यहीं रखा जा रहा है, खाना वाना ठीक ठाक खिलाया जा रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा खाना, अच्छा है। और साफ सफाई भाई कमरों में? साफ सफाई ठीक है। अच्छा, नई नई चीजें, छह दिन में पढ़ाई जा रही है, आज तो आपका चौथा दिन होगा यहाँ? जी जी। तो चौथा दिन, चार दिन में कुछ ऐसा सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, कुछ नया जानने को मिला? वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऐसे बहुत लोग तो क्लास लेते होंगे, करीब करीब सभी प्राइमरी क्लास, इसलिए आप देखिए, हमने कहा ना, हम लोगों ने सरकार में यही कहा कि टोला सेवक की न्यूनतम अर्हता क्लास टेंथ है, मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक वाले बहुत कम हैं, आप में से अधिकांश तो ग्रेजुएट। तो उन्होंने कहा कि अब इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, टीचरों की उस वक्त जो कमी थी, आज भी कमी है, उसको देखते हुए टोला सेवक तालमी वर्कर्स क्लास होंगे। तो आप लोग सब क्लास लेते होंगे बच्चों की? जी सर, हम लेते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से ये भी कहूंगा कि इनको कंप्यूटर की क्लास हुई है कि नहीं? कंप्यूटर देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा होता है। और एफएलएम किट दे दी, मैं कहूंगा प्रिंसिपल साहब को, हो रहा है, बहुत सुंदर बात। हर स्कूल में एफएलएम किट है, आप लोगों को खुद उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और एक खुशी की बात है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ 75% महिलाएं हैं, खाली पुरुष तो चार पांच ही कतार में बैठे हैं। तो ये अच्छी बात है कि मैं जब बीपीएससी के टीचरों से बात करने जाता हूँ तो वहाँ भी यही हाल है, 90% हॉल में महिलाएं बैठी रहती है, 10% कहीं पुरुष दिखते हैं। तो क्योंकि एक तो सरकार की नीति है 50% रिजर्वेशन, और कुछ महिलाएं मेरिट पे आ जाती हैं, तो 60% 70% तो यही हो गया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है और निवेदन है कि ये जो काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और गांव और स्कूल के बीच में दूरी पाटने का काम आपका है, बच्चों को पहुंचाइए। अब कोई स्कूल में, अभी डीएम साहब खुद ही कह रहे थे, कल हम लोगों ने करीब एक घंटा डीएम साहब से मीटिंग की, और हमने बताया कि गोपालगंज में हमने उतना ही काफी फंड दिया है, उतना ही हमने सिवान में भी दिया है, और मैं समझता हूँ कई स्कूलों में अब पोचाड़ा उचाड़ा शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, कही तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि टोला सेवक और तालीमी मरकज वालों ने जो है अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, और सरकार ने उसका इनाम भी उन्हें दिया है, और उनकी जो उनका जो वेतन है काफी बढ़ाया गया है, और सीएम नीतीश कुमार भी चाहते थे यही, और उनके निर्देश पर यह काम हुआ है। तो के पाठक ने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए टोला सेवक और तालीमी मरकज वालों से कह दिया कि सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि महिला जो हाथ जोड़कर मांग रही थी उस पर तो के पाठक हंस दिए, लेकिन जिस तरह से महिला ने कहा कि हमें स्थायी कर दीजिए, तो अब के पाठक आगे क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।